Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इश्तराक में शामिल है सिर्फ 14 दिनों में बिकॉज स्ट्रॉन्ग इज ब्यूटिफुल पैंटीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में और यहां के बहुत ही जबरदस्त और काबिल नौजवान मेरे साथ हैं। यहां पर हम इसलिए आए हैं कि जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहां पे जब हम डायलॉग करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जहन में यही बात होती है कि ये नौजवान जो हमारे सामने बैठे हैं, ये कल इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इस मुल्क को संभालेंगे, मुख्तलिफ शोबों में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए काबिल फख्र साबित होंगे। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि दहशतगर्दी में इंतहा पसंदी में जो नौजवान पकड़े गए, वो भी इसी तरह तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे और उन्होंने बहुत पाकिस्तान में भी और एक नौजवान तो बाहर भी उसने जो है तालीम हासिल की। इससे पहले भी सफूराकोट का जो वाकया हुआ उसमें जो नौजवान सामने आए वो भी बहुत बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हमने देखा कि वहाँ पर भी नौजवान ऐसे पकड़े गए। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो कि जिसमें लोग चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आला तालीम हासिल कर रहे हैं, ये नौजवान कैसे भटक रहे हैं? 6 सितंबर 2017 इस साल के मौके पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो स्पीच की उसमें उन्होंने यही कहा कि सिर्फ जहाज जो है वो रियासत की तरफ से होता है, इसके अलावा जो कुछ कोई कर रहा है वो फसाद कर रहा है, और बड़े वाज़ह तौर पर दुनिया को उन्होंने पैगाम दिया। तो हम ये मौजू लेकर आ जाए हैं लियारी यूनिवर्सिटी में और हम ये जानेंगे कि इन नौजवानों को कैसे बचाया जा सकता है, ये किसी भी तरह से जो है वो फसाद की तरफ ना जाए बल्कि रद्दुल फसाद की तरफ जाए। तो हम तारुफ कराएंगे जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अख्तर बलोच साहब जो कि वाइस चांसलर हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के। आपको वेलकम कहते हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स की रहनुमा हमारे साथ हैं नाज बलोच, आपको वेलकम कहते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त सोशल वर्कर हमारे साथ हैं, पाकिस्तान में दुनिया भर में इन्हें पहचाना जाता है, जाना जाता है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सारिम बन्नी साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी। अख्तर बलोच साहब, जब हम इंतहा पसंदी की बात करते हैं तो मदरसों की तरफ तो बात जाती थी और नेशनल एक्शन प्लान जो बना था उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि मदरसों की स्क्रूटनी की जाए और वहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया जाए, वहाँ पे उनका कैरिकुलम देखा जाए, वहाँ पे जो चेक किया जाए कि वहाँ से कोई तखरीबी कार्रवाई की तरफ ना बढ़े। लेकिन तालीमी इदारों में माना कि अगर 25,000 कहीं नौजवान किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे एक दो नौजवान ऐसे निकल आए तो ऐसा तो मुमकिन है, माशरे का हिस्सा है, लेकिन ये पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि बेहतर और अच्छी तालीम हासिल करने वाले नौजवान जो है हाथ में हथियार उठा लेंगे, ये कैसे हो रहा है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज की टीम को खुश आमदीद कहता हूँ बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में। जब हम पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि इसकी हिस्ट्री है, ये जो कुछ हो रहा है ये हम क्या कहते हैं कि हम फसल जो बो चुके थे हम उस फसल को अब हम काट रहे हैं, ये रिपरकशंस है बेसिकली उन तमाम पॉलिसीज़ की जो हमने अडॉप्ट किए। एक ज़माना था कि हम हर शख्स को जो है मुजाहिद बनाने के चक्कर में थे, उसको हम यही जो है तालीम देते थे कि वो जाके जो है जिहाद करे हर जगह पर। एक पॉलिसी थी, वो पॉलिसी की डेथ हो गई, उस पॉलिसी को रिप्लेस किया हमने, लेकिन वो जो आइडियोलॉजिकल जो फाउंडेशन जो बनी थी उस ज़माने में वो इतने ज़्यादा स्वीप कर गई हमारे माशरे के अंदर कि हम सब के सब उसके विक्टिम हो गए, हम सब पर असरदार हुए। सर, तालीम इदारों की तरफ आते हैं, हम लियारी में इसलिए आए, मैं एक मिनट, लियारी में इसलिए आए कि लियारी में इन चीज़ों को बहुत देखा गया है। अब वो इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गया लियारी, लेकिन एक खौफ, हथियार, ये सब कुछ यहाँ के बच्चों ने देखे हैं, तो इनसे हम सवाल करेंगे। दूसरा, आपसे हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पहले आप कराची यूनिवर्सिटी में थे, आप वहाँ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड थे और आपने कराची यूनिवर्सिटी को बड़े करीब से देखा है। अब वहाँ पर बात की जा रही है कि जनाब अप्लाइड फिजिक्स का स्टूडेंट जो है वो जनाब दहशतगर्दी में सामने आ गया है, या इससे पहले IBA जो कि सबसे मुमताज़ इदारा है वहाँ का स्टूडेंट जो है वो इस तरह से हथियार पकड़ के सामने आया। जी देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि
हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसके बेस पर हमने जो जो यूनिवर्सिटीज़ थे हमारे वो मखसूस मजहबी जमातों के हवाले किए हमने, उसके बाद हम हर तरफ जो है जिहाद जिहाद की बातें करते रहते थे, उसके बेस पर जो है ये सब कुछ हुआ। पहले तो ये जो तंजीमें थी जैसे जो अंसार शरिया जैसे तंजीमें थी उनके पास रिक्रूटमेंट जो है वो इंटीरियर से या पहाड़ी इलाकों से या वजीरस्तान से या मदरसों से आ रही थी। जब हमने वो मदरसों को जो है कम करना शुरू कर दिया, जब वो कंट्रोल होने लगे तो उन्होंने ज़ारे के नया मेथड जो है स्टार्ट किया। अब उनके पास जो टूल है वो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के तहत आज का बच्चा जो है वो दुनिया में कनेक्टेड है। आज का जो इंटरनेट का निज़ाम है, आज का जो मीडिया का निज़ाम है, वो बच्चा कनेक्टेड है और उस बच्चे को उसके पास सीड्स हैं ऑलरेडी, जरासीम मौजूद है उसके अंदर, वो क्लिक कर जाता है कभी ना कभी और जिसकी वजह से जो है वो बच्चा क्लिक हो जाता है और वो मिसयूज होता है वो बच्चा। उसे ये मिसयूज हो गया लेकिन ये सवाल या निशान नहीं उठ गया हमारे तालीमी इदारों पर कि एक स्कूल में एक बच्चे ने पढ़ा, फिर कॉलेज में गया, फिर यूनिवर्सिटी में आ गया, आप जैसे काबिल असातिज़ा किराम की निगरानी में रहा, तो कैसे उसको आपसे मुतासर होना चाहिए था, आपसे मुतासर होने के बजाय वो दहशतगर्दों से या इंतहा पसंदों से मुतासर हो गया? जी बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा गैप आ गया, स्टूडेंट और टीचर में एक गैप मौजूद हो गया। वो टीचर जो किसी ज़माने में बहुत कमिटमेंट उसकी थी अपने तदरीस से, उसका कमिटमेंट जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया और उसके साथ साथ हमने स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी उनके लिए। हमने तमाम जो एक ज़माने में स्टूडेंट यूनियंस हुआ करते थे उन यूनियंस को हमने बंद कर दिया, बैंड कर दिया। जो बच्चा अपना एक्सप्रेशन करना चाहता था, जो डायलॉग उसके ज़रिए होती थी, वो डायलॉग्स के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए, जिसकी वजह से बच्चा अलूफ होता जा रहा है और जो अलूफनेस जो है एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई हमारे माशरे में, जो बच्चा अकेले हो जाता है, जो अलूफ हो जाता है, वो ज्यादा टारगेट बन रहा है। आपकी तरफ हम दोबारा वापस आएंगे और स्क्रूटनी कैसे होनी चाहिए, अब जो आगे की बातें हो रही हैं वो हम आगे अगले मरहले में करेंगे। नाज़ बलोच साहब, आप फरमाइए, ये खबरें आप क्या समझती हैं, क्या वजह है कि क्यों आखिर हमें सुनने को मिली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिजवान, बात यह है कि वक्त के साथ साथ हमारे पास बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हर तरीके से नौजवान जो है वो उनको एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा, कहीं पर सियासी तौर पे, कहीं पे एथनिसिटी की बुनियाद पे। देखिए एक्सट्रीमिज्म की भी तरीक़ेकार होते हैं बहुत सारे, उनके एक यू नो देयर वेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उसके अंदर एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा कराची ने सफ़र किया है। यू नो एक हेट पैदा कर दी लोगों के दिलों में कि जी तुम उर्दू स्पीकिंग हो, तुम बलोच हो, तुम पठान हो, तुम सिंधी हो। इस तरह से भी नौजवानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया और आपस में कराची ने आप देखें कि कितना बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ा। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कराची में सफ़र हुआ तो लियारी के इलाके में बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ। अच्छा, इसकी बुनियादी वजूहात बहुत सारी हैं, कहीं पर जो है आप देखें कि नौजवानों को ड्रग्स में डाल दिया गया, मंशियात के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया, तो होती रही ना, जिनके पास मौके नहीं थे, जो जो जो, जो एक गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे या जिनके जो जो इस तरह के एनवायरमेंट में थे वो ठीक है, लेकिन अगर कोई बेहतर तालीम हासिल कर रहा है, एक अच्छी जगह चला गया है और फिर भी उसका माइंड सेट तब्दील हो रहा है तो ये सवाल है। रिजवान, कोई भी शख्स होता है, मैं समझती हूँ कोई नौजवान होता है, जिस तरह उसके ऊपर दर्जगाहों का असर होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ वो पढ़ते हैं उधर के माहौल का एक इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, जाहिर बात है तालीमी इदारों का, लेकिन उसके साथ साथ बाहर के लोगों में जब उठना बैठना और जो तरबियत होती है वो एक ओवरऑल एक तरबियत होती है एक बच्चे की, एक किसी भी शख्स की अगर आप तरबियत को गेज करें तो वो उसके बचपने से लेके बड़े होने तक वो जिन लोगों में उठ रहा है, बैठ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन सी चीज़ों पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसमें किसी तालीमी इदारे को जिम्मेदार ठहराना या किसी को एक यू नो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल ठहराना, मैं समझती हूँ दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि ये हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सारे बनी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फरमाइए क्या वजह है कि सवाल उठा है और इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, इतने तालीमी इदारे जो जो कि जहाँ जहाँ हमारे और असरअंदाज होते हैं, कुछ नौजवान भी अगर टारगेटेड हो गए और वो इंतहा पसंदी की तरफ चले गए, दूसरे नौजवान जो हैं वो भी उनके लिए भी खतरा पैदा कर देते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाएं तो ये अच्छी बात नहीं है,
ओसामा बिन लादेन ने कहाँ तालीम ली थी, हमें ये भी देखना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान में तालीम ही नहीं ली, बाहर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में तालीम ली लेकिन दहशतगर्दी के अंदर वो मुलव्वस पाए गए। बात यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुझे यकीन है इतने सारे इस वक्त भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबकी वो हैसियत नहीं होगी कि उसको फीस को जो है ना पे कर पाए, अपने अखराजात उठा पाए। लोग परेशान हाल हैं, जब नौकरी ढूंढने जाते हैं 12-15 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिलती, जब वो नौकरी नहीं मिलती तंग हाल होते हैं, घर की परेशानियां, एजुकेशन की परेशानियां, फिर उसमें कोई दहशतगर्द मिले या कोई मंशात फरोश मिले, किसी भी नाम के किसी भी हवाले से दहशतगर्द मिलता है और वो 40-50 हज़ार रुपए की ऑफर करता है या उसको पूरे इंश्योर्ड कर देता है कि तुम्हारी भी इंश्योरेंस तो तुम्हारी फैमिली की भी इंश्योरेंस, तो वो चला जाता है उस तरफ। इसमें ना उस्तादों की कोई गलती मैं कहूँगा ना इंस्टीट्यूशन की गलती है, गलती है तो हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं जिन्होंने अपनी नौजवान नस्ल की तरफ कोई तरजीह तवज्जा नहीं दी, इन्हें खेलने के जो है ग्राउंड्स नहीं दिए, इनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज नहीं दी, फैसिलिटेट नहीं किया गया, सिर्फ यूनिवर्सिटीज बना दी, कॉलेजेस बना दिए, वो भी इसलिए बनाए जाते हैं, अब तो मैं यहाँ इस नतीजे तक पहुँच गया हूँ कि उसमें से बजट निकालने होते हैं, वरना शायद ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी ना बन पाए। यही वजूहत है जिसकी वजह से आज सुबह एक प्रोग्राम आ रहा था कि सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च किया गया है वो खर्च किया गया सड़कों की तामीर पे, और सड़कों का जो हाल है हमारे सिंध में या पंजाब में या पाकिस्तान में या कराची में वो हम सबके सामने कि क्या सड़कों का हाल है, लेकिन सड़कों में से पैसे निकालना बहुत आसान होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तरक्की दिखाई गई है वो सड़कों के अंदर दिखाई गई है। हालांकि सबसे ज़्यादा तरक्की अमली तौर पर मैं समझता हूँ एजुकेशन पर दिखानी चाहिए, इनके खेल कूद के लिए, पढ़ने के निज़ाम के लिए दिखानी चाहिए, वो दहशतगर्दी ख़त्म करेगा। अगर हम बैठ के या डेटा कलेक्ट करने लगे इन स्टूडेंट्स का, उससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, चिड़ के और बढ़ेगी। बिल्कुल, और हमें अपने नौजवानों पर मुकम्मल एतमाद है। हम लियारी में आज यहाँ पर आपके पास इसीलिए आए हैं कि हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है, हम ये यकीन रखते हैं कि आप कभी हथियार नहीं उठाएंगे, कभी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाएंगे, और आप अपने लिए, अपने खानदान के लिए, इस मुल्क के लिए काबिल फख्र बनेंगे। क्या कहते हैं आप लोग जी, बताएं जरा। और लियारी ने सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त देखा है, तो ये कभी इन्होंने तो ये गोलियां और ये सब चीज़ें, एक नस्ल पूरी बड़ी हुई है इस खौफ और दहशत के अंदर यहाँ पर जो है, लेकिन उसके बावजूद उससे नफरत की है इन्होंने, तो फिर कैसे कोई ऐसा दूसरा जो है उससे इंस्पायर हो सकता है जब यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने, पूरी जनरेशन ने जो है उसके खिलाफ जदोजहद की है। तो हम इन नौजवानों से जानेंगे कि क्या समझते हैं, कैसे नौजवानों को इस मुल्क के जो खासतौर कच्चे जहन हैं, जो छोटी एज के अंदर भी हैं, उनको रोका जा सकता है कि वो किसी भी तरह से गलत राहों पे ना जाएं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। इसलिए आज हमें बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी में सवाल लेकर आए हैं नौजवानों का कि भाई क्या बात है, दहशतगर्दी में बड़े बड़े तालीमी इदारों के नाम आ रहे हैं कि वहां पे बच्चे पढ़ रहे थे, कभी सोचा नहीं जा सकता था। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं, चाहे अगर कोई नौजवान जो है उसने वहाँ तालीम हासिल की है, कराची यूनिवर्सिटी से कुछ अर्से पढ़ा है, या IBA में, IBA भी वहीं का इदारा है, या पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो किसी भी तौर पर हमारी किसी यूनिवर्सिटी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। ये चंद नौजवान हैं, 20-25 हज़ार में वो एक दो नौजवान हैं जिन्हें टारगेट किया गया, इस तरफ लेके जाया गया। तो हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त तालीम दी जा रही है, वहाँ पे एक 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 बेहतर शहरी बनाया जा रहा है, उनको आगे जो है मुस्तकबिल के लिए बढ़ाया जा रहा है, और हम सब अपने तालीमी इदारों के साथ खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे जी, इतने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं इनसे मैं जानना चाहूँगा, स्टूडेंट से जी, आप क्या कहेंगे कि ये क्यों ऐसा कुछ, अगर नौजवान चले भी गए इस तरफ तो आखिर उसकी क्या वजह आपकी समझ में आ रही है? हमारे जितने भी एनिमीज़ होंगे वो सबसे पहले तो बात यही है कि वो हमारी लैकनेस की तरफ से आएंगे और हम पर अटैक करेंगे, तो उन्होंने ये लैकनेस फाइंड आउट कर ली है कि हमें तालीमी तरफ से ब्रेन ड्रेन करके निकाला जाए और हमारी तालीम को गलत वे में यूज़ किया जाए, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया जाए, तो ये एक हमारी लैकनेस है और इस पर हमें कवर करना चाहिए। और लैकनेस क्यों है? इन्वायरमेंट की वजह से, हमें इन्वायरमेंट वैसा फ्रेंडली अभी तक नहीं मिल रहा कि हमें अगर कोई स्किल है तो हम उस स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की। और वो जो आपने बात की थी डायलॉग की, अख्तर बलोच साहब, आपने, वो बड़ा ज़रूरी है, बच्चों की एक्टिविटी ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, इनके अंदर प्राइड आना ज़रूरी है। जी देखें जी, सबसे पहले तो मैं सारिम भाई की बात से मुत्तफिक हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि ये ज़ाहिर है हर नौजवान के अंदर जो है एक ख्वाब होता है, उसकी
आंखों में एक ख्वाब होता है कि भाई मुझे तालीम हासिल करके किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो जब आगे जाके कुछ ऐसे बैरियर उसके सामने आते हैं और जब वो ये देखता है कि भाई मैं अपने उस टारगेट को, उस मिशन को जो है वो अचीव नहीं कर सकता, तो फिर वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन लेता है। वही एक नाजुक लम्हा होता है, वो एक नाजुक लम्हा होता है जहां पर उसको जिस तरह की गैदरिंग मिलेगी उस तरह के लोग उसके साथ खेल जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसीज पे काम करना चाहिए और अपने नौजवान को सही एक डायरेक्शन की तरफ लेके आना चाहिए कि ताकि आगे चल के, जाहिर है ये एजुकेशन पॉलिसीज के थ्रू ही हम उनकी मेंटेलिटी को और उनकी जो है वो स्किल्स पे काम करेंगे, ये इसको जो है वो हेल्प आउट करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जैसे आपने कहा कि जिहाद, ये भी तो है कि हमने अपने असातिज़ा से जो चीज़ सीखी है कि हम जो जिहाद कर रहे हैं वो इल्म का जिहाद है, अपने कलम के ज़रिए जिहाद कर रहे हैं। और किसके खिलाफ कर रहे हैं? जहालत के खिलाफ कर रहे हैं, जहालत को ख़त्म करने के लिए जिहाद कर रहे हैं। तो हमारे जिहाद करने का एक अलग जो है विज़न और तरीका है। बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने बात की, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। एक्सीलेंट जी, जी जी भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिहाद को हमारे मुख्तलिफ वे दिए गए। हमारे स्टूडेंट को ये नहीं पता जिहाद की कई किस्में होती हैं। जिहाद बिन नस भी हो सकता है, जिहाद बिन माल भी हो सकता है। और पूरे दुनिया में ये कहा जाता है इस्लाम एक इंतहा पसंद मज़हब है। ये इंतहा पसंदी नहीं कि एक गाय के लिए सारे मुसलमान को कुर्बान कर दिया जाए, ये इंतहा पसंदी नहीं किसी एक यहूदी को, सिर्फ एक यहूदी को अगर कांटा भी लग जाए तो सारे मुसलमानों की लाशें गिरा दी जाती है, ये इंतहा पसंदी नहीं। ये इंतहा पसंदी नहीं जो बर्मा में हो रहा है हमारे खिलाफ, ये इंतहा पसंदी नहीं जो यूनिवर्सिटी में हुआ, केपीके यूनिवर्सिटी में हुआ, एक स्टूडेंट को कत्ल कर दिया गया, कई सौ तलबा निकले बाहर इस्लाम के नार पर, उसको कत्ल कर दिया गया, वो इंतहा पसंदी नहीं, नहीं। मेरे काबिल टीचर एहतराम ऋषि साहब ने कहा यह हमारे टीचर का गैप है, ये गैप कैसे ख़त्म होगा? एक नेक्स्ट सवाल आया, हुकुमरान गलत हैं तो ठीक कैसे होंगे? ये प्रॉब्लम की सलूशन की तरह हम नहीं जाते, क्वेश्चन उठा लेते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता सलूशन कहाँ से निकलेगा। गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और गवर्नमेंट जो है वो असल काम जो है वो रियासत का है, हुकूमत का है, कि वो उसकी पॉलिसीज हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन है। ये नौजवान इस मुल्क में उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और ये हमारा बहुत बड़ा एसेट भी है अगर हमने सही तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हमने इनको सही गाइडलाइन फराहम नहीं की तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी है। तो आप ये समझती हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सिंध के अंदर मौजूद हैं और सिंध में जो तालीम का हाल है, जो ख़ासतौर पर हमारे गांव देहातों में स्कूल लेवल पर ही तालीम बेहतर नहीं है, और उसके बाद जो कॉलेजेस हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ की जो तादाद होनी चाहिए थी वो तादाद नहीं है, हैदराबाद जैसे शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इस पर फोकस ही नहीं किया गया, तालीम को, ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रायोरिटी ही नहीं दी गई, ख़ासतौर पर कराची के अंदर भी, कि इसको अगर प्रायोरिटी दी जाती तो हम ये दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती। रिजवान देखे, जिस तरीके से स्टूडेंट आगे बैठी हैं, इन्होंने बात की एंड आई रियली लाइक इट द वे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इशू को एड्रेस किया कि जी स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल होता है नौजवानों में, क्योंकि हर एक का मैंने कहा कि एक डिफरेंस होता है ग्रूमिंग का, ब्रॉटअप का और मेंटल लेवल का। हर घर के अंदर पाँच अगर बच्चे होंगे या चार बच्चे होंगे तो हर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता या हर कोई टीचर नहीं बनना चाहता होगा, तो हर स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर देख रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो सलाहियत है, स्किल्स हैं, उस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उन स्किल्स को उभारने के लिए, आगे लाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ का किरदार बहुत बड़ा होता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं खुद इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठी हूँ और आपके सामने ये बात कर रही हूँ कि मैं मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि तालीमी इदारों में जो स्टूडेंट्स हैं इनको आगे एम्पावर करने के लिए हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत बड़ा किरदार होता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि देखें ये कराची में सवाल ये है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में हम बैठे हुए हैं ये लियारी डिग्री कॉलेज कहलाया जाता था, आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन चुकी है और वो बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ कि खुद मैं लियारी विजिट करती हूँ, मैं बहुत सारी बच्चियों को देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि जो लोग पहले अपने आप को डिप्राइव फील करते थे और स्कूलों में तालीम तक हासिल नहीं कर सकते थे, आज वो MBA की डिग्री हाथ में लेकर आज कराची में बेहतर से बेहतर अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिविटी है। क्या तो आप MBA की डिग्री हाथ में लेके बेरोजगार फिर रहे हैं? नहीं, रोजगार की तलाश में वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे उनको नौकरियां मिल रही हैं, कोई बैंक में जॉब कर रही है, कोई किसी इदारे में जॉब कर रही है, और इसके साथ साथ लियारी में मेडिकल कॉलेज जो
जो है वो आपके सामने एक बहुत बड़ी बेहतरीन मिसाल है. तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग. आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी डन. वैक्यूम बहुत है लेकिन एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सियासी जमातों के किरदार होते हैं. जिस तरह उन्होंने कहा परवेज मुशर्रफ का बहुत तवील एक दौर रहा, और इसके अलावा भी जो साथ में कोलेशन में गवर्नमेंट में लोग होते हैं उनके पास भी मिनिस्ट्रियां रहती हैं, उनका भी किरदार होता है. डेवलपमेंट की जो हम बात करें, तरक्याती चीजों की हम बात करें, तो साथ ही साथ मैं कहती हूँ कि बहुत सारी चीजें जिनको कुछ चीजें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पर एज अ सोसाइटी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव ठीक है. और हम सब ने मिलकर इस इंतहा पसंदी के खिलाफ जो आप जहाद की बात कर रहे थे ना बार बार, हमने इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कि जिसमें डायलॉग के बजाय हम ये कहते हैं कि जनाब दूसरा गलत है और इतना गलत है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो. सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया गया यहाँ नहीं, हर जगह जो है इस तरह की इंतहा पसंदी जो देखने में आती है, दुनिया भर में देखने में आती है. म्यांमार में हम इस वक्त देख रहे हैं ये इंतहा पसंदी जो है बहुत बहुत बुरे तरीके से. बिल्कुल, तो हम सब ने मैं आपको अभी एवरीवेयर आप देखें पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. म्यांमार में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो नाइंसाफी हो रही है, जो ज्यादती हो रही है, उस पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट नौजवान कर रहे हैं. और ये इंटरनेशनल मैसेज जाना चाहिए कि हम जो मुसलमान है इस वक्त खुद बहुत बड़े विक्टिम हुए. ठीक है, हम वापस आएंगे अपने इसी मसले की तरफ क्योंकि हमने अपने नौजवानों को बचाना है और हमने इसके खिलाफ जिहाद करना है, हमने इनको सही राय दिखानी है. इसका हल कैसे हो सकता है, यहाँ स्टूडेंट्स और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक के बाद से हम पूछेंगे. सवाल है पाकिस्तान का. वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का. इसीलिए आज हम हैं बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में. बात हो रही है कि नौजवानों को कैसे बचाया जा सकता है कि वो गलत हाथों में ना जाएं, किसी खबर में हम ना सुने कि किसी बेहतरीन तालीमी इदारे से किसी नौजवान ने तालीम हासिल की और फिर वो इंतहा पसंदी दहशतगर्दी की तरफ चला गया और उसने हथियार उठा लिए. ये बहुत अफसोसनाक खबर है. ये नौजवान हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, इनको सही जगह पर लगाना है. सारिम बंडी साहब, हल की तरफ बढ़ते हैं, आप क्या समझते हैं कि किन डायरेक्शंस पे चला जाए कि हम इन नौजवानों को कारामत और मुफीद बनाएं, काबिले फखर बनाएं, ना कि ये खबरें हमें सुनने को मिलें जो हमने सुनी. देखिए, सबसे पहला ऐसी चीज़ों के अंदर हाथ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का होता है या सूबाई हुकूमतों का होता है. फिर साथ में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है हर शख्स का ख्याल करें. हम लोगों ने आज जो दौर हम पहले गुजारते थे जब दहशतगर्दी का नाम और निशान भी नहीं होता था, किसी ने झगड़े में किसी को चाकू लेके मार दिया हो तो मार दिया, अदरवाइज दहशतगर्दी के नाम से कोई चीज़ ऐसे सामने नहीं आती थी. वो वक्त था जब पूरे पूरे महल्ले एक घर हुआ करते थे. आज वो वक्त है कि इस घर में कौन मार दिया और कौन मर गया वो बराबर वाले को भी बाद में पता चलता है जब रश लग जाता है. तो आज हम लोगों ने अपने रिश्ते नाते चीज़ें वास्ते ख़त्म करके रख दी हैं, जिसकी वजह से हम सब जो है ना मकसद समझ ही नहीं रहे कि हम किस वे में चले गए. हुकूमतों ने बिल्कुल हाथ उठा लिया. इंस्टीट्यूशंस बने तो हैं बहुत सारे, पर वो उसके अंदर क्या है वो हाल सबके सामने. स्टूडेंट्स आप देखें, ये मीडिया ये आए दिन सामने लेकर के आता है स्कूल्स की क्या हालतें हैं कि बेंचेस नहीं हैं, पंखे नहीं हैं, छतें गिर रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, कॉलेजेस का भी हाल है, यूनिवर्सिटीज का भी हाल है. तो कौन सही करेगा इसको? मेरा कि हमें इनको इंसान समझना है, फर्स्ट सिटीजन समझना है. जब तक हम ये समझते रहेंगे इनके लिए अलग पाकिस्तान है और मेरे लिए अलग पाकिस्तान है तो ये मसला रहेगा. मसला तो फिर वो जो पाकिस्तान उनका है वो फिर आपके पाकिस्तान को भी जिंदा रहने नहीं देंगे. बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि उनको भी वही पाकिस्तान दें जो आप अपने लिए चाहते हैं. इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, तालीम की इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सेहत की इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सस्ता इंसाफ सबको मिले, तो सारी चीजें खुद ठीक हो जाएगी. ये जो फ्रस्ट्रेशन कहीं कोई मौजूद है जिसका कोई गलत फायदा उठाकर उन्हें इंतापसंदी में लेके चला जाता है, उस फ्रस्ट्रेशन को हमने खत्म करना है. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा होना चाहिए. आप ये देखिए, बीमारी किसी के भी हाथ में नहीं है. मैं अपने बच्चे को बगैर तालीम के तो रख लूंगा कि चलो ठीक है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं बगैर सेहत के कैसे रखूंगा? इलाज तो मुझे हर सूरत कराना है. मैं कहां से दो दो चार चार पांच पिलाऊं अपने बच्चे के इलाज के लिए जबकि रोटी नहीं है खाने को? तो तालीम, सेहत और रिहाई, जो फ्रस्ट्रेशन होती है ये इतनी खतरनाक फ्रस्ट्रेशन होती है कि जिस जो इस मरहले से गुजरता है वो फिर ये नहीं सोचता कि सही क्या है गलत क्या है, वो बोलता है मैं तो इस दुनिया को आग लगा दूं. बिल्कुल, मैं आपको अपनी मिसाल दूं. मेरे पास जो ईमेल्स आती हैं या लोग आते हैं जब वो बताते हैं वो बातें बताते हैं जो किसी को भी नहीं बताते. अब ये मेरे हाथ में अगर मैं कोई दहशतगर्द हूं या दहशतगर्द तंजीम के साथ मिला हुआ हूं तो यकीन जाने वो शख्स जो मेरे पास आया है अपनी रिक्वेस्ट लेके वो हर वो काम चाहेगा करेगा जो मैं कहूंगा या वो दहशतगर्द करेगा. तो ये लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाया जा रहा है जो अच्छी चीज नहीं है. डॉक्टर तरबुल साहब, एक चीज एक मसला ये भी हुआ
कि अगर चले कोई फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और ये नाइंसाफी मौजूद है माशरे में जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद अब जो है वो इजी अप्रोच हो गया है गलत राहों पे जाने के। मिसाल के तौर पे आपने स्टूडेंट यूनियन की बात की इस प्रोग्राम के पहले मरहले में, एक ज़माने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियन का, बड़े काबिल बच्चे स्टूडेंट यूनियन के मेंबर बनते थे, इलेक्शन लड़ते थे, जीतते थे, आज बड़े बड़े सियासतदान बने हैं, उन्हें हमारे पॉलिटिक्स का हिस्सा है आज, लेकिन उस पर पाबंदी लगी और उसके बाद वो आज तक बहाल नहीं हो सकी और उसके बाद उन्हीं तलबा तंजीमों के अंदर हथियार आ गया, आज हथियार एक्सेस हो गया सबके पास, यानी आज वो चाकू छुरी की बात नहीं है, आज तो बड़े बड़े हथियारों की बात है और इजीली अवेलेबल है शहर के अंदर। तो ये हमने ये चीज़ें खुद किसी फ्रस्ट्रेट, अगर कहीं फ्रस्ट्रेशन है तो उसको गलत राहों पर लेके जाया जाए, इंतापसंदी पे खासतौर पर लेके जाया जाए, हमने खुद मौके फराहम किए हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स भी इंसान होते हैं, उनकी भी सोच होती है, वो भी विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, समझते हैं, परसीव करते हैं, लेकिन हमने उनको कोई एक्सप्रेशन का मौका नहीं दिया, उनके साथ डायलॉग बिल्कुल ख़त्म हो गया है, घर के अंदर डायलॉग ख़त्म हो गया है, पेरेंट्स के साथ डायलॉग ख़त्म हो गया है, भाई बहनों के साथ डायलॉग ख़त्म हो गया है, स्कूल्स में डायलॉग का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये जो वैक्यूम बढ़ते बढ़ते जो है ना अब यहाँ तक पहुँचा है, सबसे पहले तो हमें उन पॉलिसीज़ को रोल बैक करना है, उन नैरेटिव्स को रोल बैक करना है जिससे हमने उन टेंडेंसीज को डेवलप किया, जिससे इंटॉलरेंस आया हमारे माशरे में, जिससे क्लाशनकोफ कल्चर आया हमारे माशरे में, जिसमें हम जिहादी लिटरेचर को जो है बरमार करके रखा था, अब उस चीज़ को रोल बैक करना है। हमें बच्चों को एक ही नसीहत करना है कि सबसे पहले पाकिस्तान, जब पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे और जब पाकिस्तान नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा यहाँ पर। और दूसरी बात यह कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबल हो, क्योंकि आज इसी बच्चे को जाके जो है जॉब लेनी है, इसी बच्चे को इदारे चलाने हैं, और स्पेशली जो यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है हमारा, जो मैच्योर बच्चा है जो मार्केट होने जा रहा है, उसके अंदर अगर ऐसी टेंडेंसी आ जाएगी तो तबाही की बुनियाद है, हमें इसको रोकना है और हर सूरत में रोकना है। जी नाज़बुल साहब, आखिरी कोई जुमला आप कहना चाहें लास्ट में इसको कंक्लूड करने के लिए? देखिए मैं समझती हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी जो नौजवान है वो बहुत ही बाशऊर है और बासलाहियत है, हम दुनिया भर में ही जाते हैं तो हमें हर जगह पाकिस्तान के जो नौजवान है वो अपना रोशन नाम पाकिस्तान का कर रहे हैं, तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं हमें अपने नौजवानों से। और तालीमी इदारों में जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में बैठ नौजवानों को आगे प्रोडक्टिव सोच दी जा रही है, आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, फॉर अ प्रोग्रेसिव, फॉर अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉर अ वेरी डेवलप्ड पाकिस्तान, जो हमारी ख्वाहिश है हम वो देखना चाह रहे हैं और मैं बड़ी पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमार ये नौजवान है, स्टूडेंट्स हैं। ये जो बात की जा रही है डॉक्टर अख्तर बलोच साहब के, मेरे ख्याल से जो आप लोगों ने बात की है यही अगर कर लिया जाए तो मसले हल हो जाएगा, हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि जनाब या स्टूडेंट जो है कराची यूनिवर्सिटी में या किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में या इवन दिस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जाए तो वो थाने में जाके जो है वो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ले या जो है वो बताए कि जनाब कहाँ रहता है, तो क्या इसकी चीज स्क्रूटनी की जरूरत है? रिजवान बाहर ममालिक में अमेरिका की अगर आप मिसाल देख ले तो वहां पे अगर 3-4 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता तो दूसरे दिन स्कूल से स्कूल के टीचर्स तो आ जाते हैं, साथ में पुलिस घर आ जाती है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो तालीम तो है इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके करेक्टर की बात हो रही है अभी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? पुलिस से किसी के कैरेक्टर को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो खाने का शुरू हो जाएगा। जो हमारे ताने हैं वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट लेना कोई बड़ी बात ही नहीं होगी, और वैसे भी ताने को भी क्या पता होगा कि कौन क्या करता है, तो उनको कोई ये चीजें, देखिए आपने जो बात कही बहुत ही वैलिड है कि हम अगर 10 लाख बच्चों में से 4-5-10 बच्चों की बात कर रहे हैं तो वो 0.1% भी नहीं बन रहा है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल साइज है, लेकिन एक टेंडेंसी इसकी वजह से सबको सफर नहीं करना चाहिए, बड़ी तादाद जो 99.9% पूरा अमन नौजवान है, मुल्क से मोहब्बत करने वाला नौजवान है, आगे बढ़ने वाला नौजवान है, उसको सफर नहीं करना चाहिए इस बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन की वजह से, लेकिन एक टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को रोका जा सकता है, हम यूनिवर्सिटी, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे गवर्नमेंट, हमारे फोर्सेस, हम सब मिलके जो है उसको ये चेक एंड बैलेंस सारी बन्नी साहब कि जनाब कहीं ये इन सारे नौजवान में पीस लविंग नौजवान है, इनमें कहीं कोई एक नौजवान ऐसा ना आ जाए जिसे किसी ने एजेंडा बना के भेजाओ।
देखें सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि आरफा करीम जो थी वो भी पाकिस्तान की स्टूडेंट थी, ठीक है ना, जिसने दुनिया में नाम कमाया, वो भी पाकिस्तान का स्टूडेंट था जिसने खुदकश हमला आवर को खुद लिपट करके रोका था। तो स्टूडेंट्स कोई दहशतगर्द नहीं है, ना इधर के इंस्टीट्यूशंस को ये सिखा रहे हैं इनको। दूसरा ये कि हल क्या होना चाहिए, हल ये होना चाहिए कि डेटा कलेक्शन के बजाय जो इन्होंने इंटेलिजेंस निज़ाम बनाए हुए जो सियासी लोगों की किरदार कशी पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाया जाए, एक नया डिपार्टमेंट जो इंटेलिजेंस के तौर पे इनको जो है ना देखे कौन क्या कर रहा है, और पेरेंट्स को या भाई बहन को इजाज़त हो कि अगर अपने बेटे या भाई पे किसी पे शक है तो उधर वो इंफॉर्मेशन दे कि इसको ज़रा वॉच किया जाए कि ये कुछ मुझे मशकूक नज़र आ रहा है कि रातों को गायब होना, एक एक महीना दस दस दिन गायब हो जाना, वो उनको ढूंढे, वो उसको देखे, ना कि पुलिस डेटा। और वही बात है कि उनके और धंधे बढ़ा दिए जाए, ये जो है ना जुल्म हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त ख्यालात का इजहार कि हमारे गेस्ट ने, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने नौजवानों को बचाना है इस इंतहा पसंदी से, दहशतगर्दी से, हथियारों से, नफरत से, और इसके बचाने के लिए मीडिया से लेकर असातिज़ा तक और सोशल वर्कर से लेकर पॉलिटिशियन तक और हर शख्स ने जो है वो अपना रोल अदा करना है और इनको किसी गलत हाथों में नहीं जाने देना है। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यकीनी तौर पर गवर्नमेंट का होगा और इस पर ज़रूर एक्शन होगा। रिजवान जाफर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान।